हेलो बच्चा बाड़ी, दिस इज़ मुस्कान एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। खैर, ये वीडियो जिन लोगों के लिए बन रहा है वो बहुत ज़्यादा मज़े में अभी नहीं होंगे, क्योंकि जून 2024 का अटेम्प्ट बहुत नज़दीक है। हम लोग अप्रैल के महीने में खड़े हैं और आज से अप्रैल का महीना और मई का महीना, यानी कि इनके दो महीना हमारे हाथ में बचा है जून 24 का अटेम्प्ट देने के लिए। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जून 24 में स्पेशली न्यू सिलेबस के लिए बैठने वाले हैं। ये बच्चा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डरा हुआ भी है एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है देखने की कि किस तरीके का पेपर आएगा, क्या अटेम्प्ट कर पाएंगे, तैयारी हमारी कैसी रहने वाली है। बट जून 24 का वो बच्चा जो न्यू सिलेबस पहली बार बैठने वाला है, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई प्रॉमिस ड्यूरिंग द लेक्चर्स ऑल्सो, और आप लोगों से भी कई सारे सेशंस होने के बाद आई थिंक अपन ने डिसाइड किया था कि अप्रैल से वी विल स्टार्ट प्लानिंग एंड अप्रैल में आई विल कम अप विद अ वीडियो जहाँ पर हम लोग बैठ के साथ में प्लान करेंगे। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो जून 24 में न्यू सिलेबस का एग्जाम दे रहे हैं, वो अटेम्प्ट जो पहली बार होने वाला है और किस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। नाम बहुत क्लियर है इस बार, तैयारी जीत की। जून 24 न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट ये अटेम्प्ट हमारा सबसे प्यारा अटेम्प्ट होने वाला है। ये प्रॉब्लम हमको फेस नहीं होगी कि न्यू सिलेबस का हमने पहली बार अटेम्प्ट दिया, राइट? तो अभी क्या करना है, ये दो महीने कैसे यूटिलाइज करना है फटाफट समझते हैं। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है अभी, तो समय की बर्बादी अपने को नहीं करनी है और वीडियो में थोड़ा सा रुकना, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पंचायत करने नहीं आए, इस वीडियो में हम आपके लिए एक चैलेंज लेके भी आए विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस्त हु आर गिविंग जून 24 एग्जाम, ठीक है? तो एकदम आराम से बैठना, सुनना और फिर हम आपको लेके जाते हैं उस चैलेंज की तरफ, ठीक है? अच्छा, सो जब हम न्यू सिलेबस की बात करेंगे स्पेसिफिकली सीएस प्रोफेशनल की, सो आई थिंक वी हैव 7 सब्जेक्ट्स, राइट? आई थिंक ये बात हमने आपसे जिस दिन सिलेबस शुरू हुआ था उस दिन करी थी और आपसे बोला था कि इस बार आपका सिलेबस समाप्त हो जाने के बाद ही ये बातें वापस होंगी, है ना? सो अप्रैल आई थिंक इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मंथ टू डिस्कस अबाउट दिस अगेन। तो आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? दो ग्रुप है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। जो बच्चा एक ही ग्रुप दे रहा है तुमको आई थिंक प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई प्लान नहीं है, बिकॉज आपको रोज़ ही सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट? देर इज़ नो प्रायोरिटी कि मैम इसको आज पढ़ लूँ उसको कल पढ़ लूँ, नहीं। अगर आप दो ही एक ही ग्रुप दे रहे हो तो या तो आप 4 सब्जेक्ट्स दे रहे हो या आप 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, एनी विच वेज आपको चारों सब्जेक्ट दिन में एक दिन में पढ़ना ही है, तीनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना ही है, ठीक है? तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है? जो बच्चा 7 सब्जेक्ट यानी कि दोनों ग्रुप दे रहा है ना, वो बच्चा जो बोथ ग्रुप वाला है, एक चीज़ समझना, लास्ट जो ओल्ड सिलेबस होता था ना, ओल्ड सिलेबस में 9 सब्जेक्ट्स पर थे, राइट? जिसमें 2 ओपन बुक थे, तो उनको 7 सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि वाओ यार इट्स अ ब्लेसिंग, राइट? साथ ही पढ़ना है क्योंकि 2 ओपन बुक है। आपके पास इन 7 सब्जेक्ट्स में भी 5 आपके सब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, मतलब बाकी 2 ओपन बुक भी सब्जेक्टिव ही हैं, बट बाकी 2 पेपर्स आपके ओपन बुक हैं। और अगेन ये बात हमने पहले दिन पे कही थी, 5 सब्जेक्ट की तैयारी अलग और 2 ओपन बुक की तैयारी अलग, राइट? सो कंपैरेटिवली वो समय आपके पास ज़्यादा है पढ़ लेने के लिए, डेडिकेट कर देने के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा मोटा मोटी तुम देखो तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? 2 ओपन बुक का क्या करना है आई टेल यू, फटाफट से हम बताते हैं, बट आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है? इन पाँच सब्जेक्ट्स में मैम किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बनाएं और किस सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं, आप किसी को भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपका CR है, आपका फंडिंग है, DD है, ड्राफ्टिंग है, एथिक्स है, सब अपने आप में एकदम धुरंधर सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट? पर क्या हम 5 सब्जेक्ट एक दिन में टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अब ये कैसे पॉसिबल है वो समझने के लिए आप इस वीडियो को 2 सेकंड पॉज करना, इसलिए हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो को 2 सेकंड पॉज करना और पहले ये समझना कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं और कौन से सब्जेक्ट, आई डोंट से द वर्ड, आई डोंट यूज द वर्ड वीक, बट कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा काम करना भी बचा है ना? तो कौन से सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिनमें आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर फोड़ने ही वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट अभी भी ऐसे बचे जहाँ पे लग रहा है काम ज़्यादा करना है, ठीक है? सो द प्लान इज कि अगर आपने ये कैटेगराइज कर लिया है कि ये वाले सब्जेक्ट्स मेरे बहुत स्ट्रांग हैं और ये वाले सब्जेक्ट्स पर भी काम करना है, तो अपन लोग एक स्ट्रांग सब्जेक्ट, एक काम करने वाला सब्जेक्ट, एक स्ट्रांग सब्जेक्ट, एक काम करने वाला सब्जेक्ट ऐसे पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? कई बच्चे प्लान बनाते दौरान जो जिस सब्जेक्ट पे आपको काम करना है अभी, या तो आप सिर्फ उस पर ध्यान देते हो, और मैक्सिमम बच्चे 90% की जनता वही है जो ऑलरेडी जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो स्ट्रांग हो रहा है, पर जो सब्जेक्ट में ऑलरेडी मेहनत करनी थी वो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है? इट कैन बी DD, इट कैन बी ड्राफ्टिंग, इट कैन बी CRI, इट कैन बी एथिक्स और इट कैन बी फंडिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना? अगर फिर भी कोई बच्चा ये प्लान नहीं बना रहा है, क्योंकि ये वीडियो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जो खुद से पढ़ाई कर रहे थे उनको ये गाइडेंस
की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी वाला है या किसी भी रीजन की वजह से नहीं कैटेगराइज कर पा रहा है कि हम क्या करें, राइट। सो आई बिलीव कि दो तो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट बहुत क्लियर है ना, एक एथिक्स है और एक डीडी है, जिसमें याद ज्यादा करना पड़ सकता है। इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में मत पढ़ना, ठीक है। मतलब ऐसा मत करना कि लेट्स से इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, आप सुबह उठ गए, आपने सुबह एथिक्स पढ़ा, एथिक्स से जस्ट बाद डीडी पढ़ा। अगर आप एथिक्स सुबह पढ़ रहे हो तो आप डीडी शाम में पढ़ो, क्योंकि दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा उतना याद करने में, ठीक है। दो तीन टैक्टिक्स है, ध्यान से सुनना। तो अगर जो दो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स आपके हैं, एथिक्स और हो गया ड्राफ्ट आपका डीडी हो गया, तो एथिक्स अगर आप सुबह पढ़ रहे हो डीडी शाम में पढ़ो, या डीडी सुबह पढ़ रहे हो तो आप एथिक्स शाम में पढ़ो, क्योंकि इन दोनों में अच्छा कितना भी कमांड है अपना सब्जेक्ट पे, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एंड आई थिंक वो सारे ही सब्जेक्ट्स में, राइट। फिर आपका आता है यहां पे फंडिंग एंड सीआर। एक टाइम पे आप फंडिंग उठाओ, एक टाइम पे सीआर उठाओ, क्योंकि दोनों प्यारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो दोनों टेक्निकल भी साथ में उठाओ, तो एक सुबह फंडिंग उठा लो, एक आप शाम में सीआर उठा लो, या वाइस वर्सा, एंड बीच में आप ड्राफ्टिंग फिट कर सकते हो। या अगर आपको ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है तो यू कैन स्टार्ट विद ड्राफ्टिंग, राइट। आई बिलीव कि जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना पसंद है उसको जब मैं शुरू करती हूँ तो मेरा मन करता है पढ़ने का, किताब खोलने का, और दिन की शुरुआत प्यारी होती है, राइट। सो यू कैन डू दैट इज वेल। सो इन शॉर्ट, दो सब्जेक्ट आप कोई भी सुबह वाले स्लॉट पे फिक्स कर लो, ठीक है। सुबह के अपने 3 घंटे कुछ अराउंड आप फिक्स कर दीजिए, दो सब्जेक्ट आप यहाँ फिट इन कर लीजिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट आप आपका आफ्टरनून में फिट इन कर लीजिए, यहाँ पे हमने एक ही क्यों बोला आई विल टेल यू, और दो सब्जेक्ट आप आपके इवनिंग में फिट इन कर दीजिए, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स आपकी इवनिंग के फिट इन कर दीजिए। सो कीप वन थ्योरी वन टेक्निकल ईयर, वन थ्योरी वन टेक्निकल ईयर, और एक ड्राफ्टिंग आप यहाँ पे रख सकते हो, या डीडी या एथिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट डीडी और एथिक्स साथ में पढ़ते मत बैठना। ऑल दो अच्छा एक खास बात क्या है ना न्यू सिलेबस की, यू विल सी समथिंग वंस यू आर डन विद द सिलेबस। अगर आपका अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है तो जस्ट इन केस आपका पढ़ के नहीं हुआ, आप पढ़ के खत्म करो, यू विल रियलाइज कि डीडी ड्राफ्टिंग और आपका एथिक्स में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिक्स एंड मैच है ना। इसका एक पॉइंट ये भी है कि एथिक्स का डीडी में, डीडी का ड्राफ्टिंग में ये हो सकता है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। पर बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि हम वो एथिक्स में पढ़ लिए तो डीडी में नहीं पढ़ना पड़ रहा, डीडी में पढ़ लिए ड्राफ्टिंग में पढ़ना, ड्राफ्टिंग पढ़ लिए एथिक्स में नहीं पढ़ना पड़ रहा, राइट। तो वो आपका कॉमन पॉइंट जो है वो कट डाउन हो जाते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एंटायर 3 सब्जेक्ट्स, राइट। फिर आप इसमें जब आप प्लान आउट कर रहे हो स्पेशली दोनों ग्रुप, तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कि सीआर हो गया है, फंडिंग हो गया आपका, इनको साथ में मत मैच करना। या तो आप एथिक्स के साथ एक सब्जेक्ट डाल दो, या डीडी के साथ डाल दो, या ड्राफ्टिंग के साथ डाल दो, और एक सब्जेक्ट आफ्टरनून के लिए रखो। अब ये एक सब्जेक्ट हमने आफ्टरनून के लिए क्यों रखा, क्योंकि नाउ इसके साथ यू हैव एन ओपन बुक एग्जाम एज वेल, ठीक है। आई होप यू नो कि एक ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, हाउ डू यू टारगेट एन ओपन बुक एग्जाम, हाउ डू यू अप्रोच एन ओपन बुक एग्जाम। आपने ओपन बुक का पहला वाला लेक्चर हमारा देखा होगा, आपको पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ग्रुप वन में किसी ने CSR लिया है, किसी ने IPR लिया है, ग्रुप टू में 99% जनता ने इंसॉल्वेंसी ही लिया है, है ना, इज वॉट आई अंडरस्टैंड। तो ओपन बुक सब्जेक्ट के अंदर आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप ऐसे किसी टाइम पे फिट इन कर सकते हो जहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है। जैसे लेट्स से इफ़ यू टेक माय एग्जांपल, मेरा दोपहर के टाइम पे दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं चलता, या एक्सट्रीम रात हो जाए, जैसे 10-11 बज जाए ना, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। मतलब ऐसा कुछ आपने बेसिक बोल दिया रिवाइज करना, वो मुझे हो जाता है। तो आपको यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरे दिनचर्या में आपका वो एक समय कौन सा है जहाँ पे नो मैटर व्हाट बहुत ज़्यादा दिमाग आपका नहीं चलेगा। ऐसे टाइम पे कोई टेक्निकल या रटने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल फिट इन मत करना, ठीक है। ऐसे टाइम पे ओपन बुक डाल देना। अच्छा ओपन बुक को अप्रोच कैसे करते हैं, जस्ट इन केस आपको ये नहीं पता होगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल, ठीक है। उसके लिए भी हम एक वीडियो बना के डालेंगे कि ओपन बुक को अप्रोच कैसे करते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हाल फिलहाल में जितने लोगों को मालूम है आप सुन लो, नहीं मालूम है तो इसके बाद वाला वीडियो आई प्रॉमिस वुड बी एन अप्रोच फॉर ओपन बुक सब्जेक्ट, कि ओपन बुक सब्जेक्ट टारगेट कैसे करना है। शॉर्ट में पर अभी सुन लो, ओपन बुक सब्जेक्ट के अंदर आपको याद कुछ नहीं करना है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी थरो विद योर बुक, है ना। बुक के अंदर कौन सी चीज़ क्या दी है और क्या बोलती, इतना पता होना चाहिए, थरो होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कॉमर्स में एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन रट के नहीं जाते थे, वी यूज टू नो कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन यही होती है, या पार्टनरशिप की डेफिनेशन यही होती है ना। सिर्फ थरो होना है, क्योंकि अगर कुछ भूल भी गए तो किताब सामने है, है ना। अब जितने लोगों ने CSR लिया, IPL लिया, क्या आपको किताब में, आपको एग्जाम में लेके जाना, दैट इज ऑल समथिंग दैट आई विल टेल यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट इज वेल, राइट। बट इसमें सिर्फ गो थ्रू कर लेना, एक आइडिया ले लेना कि पूरी किताब में क्या है, है ना। जो पढ़ चुके हैं ओपन बुक बेस्ट है, कोई टेंशन ही नहीं है। जिन्होंने अभी तक उठाया नहीं है, देखो एग्जाम के एक दिन पहले के लेके मत बैठना, एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक महीना एक ओपन बुक निपटा लो, दूसरा महीना दूसरा ओपन बुक निपटा लेना, एंड दैट शुड बी डन, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी में आई बिलीव कि आपके पास 5-6 क्वेश्चन होंगे, राइट। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है,
पास्टर क्वेश्चंस है तो वो कर लो, नहीं है मान लीजिए तो मॉड्यूल के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। मॉड्यूल में हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मॉड्यूल के एंड में एक पेपर होता ही होता है, एटलीस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड एटलीस्ट सॉल्व दैट पेपर, राइट। क्योंकि ओपन बुक सब्जेक्ट के अंदर आई हैव ऑलवेज सेड दैट जितना इंपॉर्टेंट आपका किताब को जानना है उतना इंपॉर्टेंट आपको अप्रोच करना भी है कि आंसर को अप्रोच करते कैसे, राइट। पेपर में 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, बुक में ढूंढना है एंड देन लिखना है। ढूंढने की समस्या नहीं होगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन मास्टर इंडेक्स फॉर दिस, राइट। अब ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी यार, इसके लिए देयर इज अ टेलीग्राम चैनल लेट्स हेल्प सीएस मुस्कान गुप्ता, जो हमारे वाले स्टूडेंट्स हैं वेरी श्योर उन्होंने अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा। कोई सेल्फ स्टडी वाला बच्चा रह गया है तो टेलीग्राम पे ये चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नॉट दैट कि व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होता, ये होता है, बट व्हाट्सएप के जो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आपने मैसेज डाला तो 10 मैसेज और आ जाते हैं, राइट। ये ओनली एडमिन ग्रुप है, यहाँ पे किसी से भी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई वो वाला कंटेंट दे दे या मैम ने वो शेयर किया था वो दे दे, कुछ नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन ऑन दिस चैनल एंड आपको सिर्फ पिंड मैसेजेस में जाना है एंड यू कैन फाइंड एवरीथिंग, राइट। तो सीएसआर का मास्टर इंडेक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पर वो मास्टर इंडेक्स आपके तब काम आएगा जब आपने जो हमने बुक दी है उससे पढ़ा है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग बनाए, राइट। नहीं दी है मॉड्यूल से पढ़ा है तो भी मास्टर इंडेक्स का रेफरेंस लेके एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि मॉड्यूल से हम लोग मास्टर इंडेक्स कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ओपन बुक सब्जेक्ट में मास्टर इंडेक्स इज द ब्रह्मास्त्र, आराम से ढूंढ सकते हो और आसानी होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन ढूंढने में, ठीक है। तो ओपन बुक की प्रैक्टिस होना, नॉट दैट एकदम घुस जाना है इसमें, बट थोड़ी सी होना जरूरी है, राइट। दोनों ग्रुप में एक एक ओपन बुक सब्जेक्ट है, ये याद रखो। ओपन बुक यानी कि किताब सामने, अगर इसको अच्छे से टारगेट कर दिया तो मतलब एवरी सब्जेक्ट ईच एंड एवरी ग्रुप में, हर ग्रुप में आपका एग्रीगेट खिंच सकता है अगर ओपन बुक सब्जेक्ट प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ तो, ठीक है। सो मेक श्योर कि ओपन बुक सब्जेक्ट को एकदम इग्नोर ना कर दो, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ग्रुप वन में भी एक अच्छा ओपन बुक सब्जेक्ट है, ग्रुप टू में भी एक अच्छा ओपन बुक सब्जेक्ट है, एग्रीगेट खिंच सकता है। अगर एग्रीगेट खिंचा तो अपना जो पासिंग परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आपका पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। तो बहुत ध्यान देना ओपन बुक सब्जेक्ट पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा ये आपको डिवाइड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट को सुबह फिट इन करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट को शाम को फिट इन करना चाहते हो, टेक्निकल सब्जेक्ट क्या कंबाइन करोगे, ड्राफ्टिंग दोपहर में करोगे, डीडी करोगे या आप एथिक्स करोगे, उसके साथ एक ओपन बुक, कौन सा ओपन बुक पहले करना है आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई समस्या लगी तो आप बिंदास यू कैन लेट मी नो, राइट, यू हैव माई नंबर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन लेट मी नो कि यहाँ पे समस्या आ रही है, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। बट एक चीज़ याद रखना, डीडी की स्पेसिफिकली आई हैव इशूड द क्वेश्चन बुक एज वेल, ठीक है। जितने भी आपके पास ईयर पेपर्स हैं उनकी क्वेश्चन, मतलब जितने भी पास ईयर पेपर्स आपके डीडी रिलेटेड है, नॉट दैट न्यू सिलेबस रिलेटेड कुछ है, बट रेफरेंस पे भी जो आ सकते थे सारे हमने क्वेश्चन बुक के अंदर डाल दिए हैं। 200 पेज की अराउंड आपकी किताब है, जितने क्वेश्चन पास ईयर आप देख सकते हो उनको देख के जाना, एंड बेस्ट तब होगा जब आप इनको लिख के देख पाओ, राइट। बिकॉज हर बार गलती एक होती है, हमको आता है पर हमको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आप इसको लिख के देख पा रहे हो तो बेस्ट हो जाएगा। सो इंश्योर कि क्वेश्चन बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए, एटलीस्ट अगर 20 क्वेश्चन हो उसमें से 6-7 क्वेश्चन तो आप लिख के देख कर आओ, है ना। मैम हमको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि हम लिख लेंगे, लगता तो हमको भी, लगता तुमको भी है ना, लगता और भी बहुत लोगों को बहुत कुछ है, सब हो जाता है क्या, नहीं। तो आप जब तक उसको अटेंड करके नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आए गलतियां हो कहां रही हैं, है ना। जैसे गाड़ी देख के सबको लगता है कि गाड़ी चला लेंगे, बट जब तक चलाना नहीं सीखो तब तक समझ में कहां आएगा कि किधर टेक्निकलिटीज आती है, राइट। सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन तब समझ में आएगा कि आपको पर्सनली कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी पहली बात हो गई। दूसरी, ऑलवेज कीप अ रफ नोटबुक। नाउ ऑल दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम यस अकेडमी ऑलरेडी नो दैट कि आई बिलीव कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट अगर आप याद कर रहे हो, जब तक आप उसको लिख ना लो, अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं है कि मस्त तरीके से नोट्स बना के लिख रहे हैं, नहीं, वॉट एवर यू हैव लर्न, मान लीजिए आज मैंने 4-5 पॉइंट्स पढ़े कि ए बी सी डी, फट से मैंने लिख लिया ए बी सी डी, दैट्स इट, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड या एग्जाम के पहले जब आप रीड करोगे तो वो पॉइंट्स आपके पक्के हो जाते हैं, है ना। तो कोई बहुत अच्छी नोटबुक नहीं चाहिए हमें, इसके लिए चार्ट्स नहीं बनाने, रफ नोटबुक इज मोर देन इनफ, ठीक है। तीसरी बात, CSR आपका हो गया या आपका IPR हो गया या आपका इंसॉल्वेंसी हो गया, इफ़ नथिंग इज अवेलेबल एटलीस्ट मॉड्यूल के एंड में जो पास्ट ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है या मॉड्यूल के एंड में जो क्वेश्चन अवेलेबल है एटलीस्ट उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपका CMATT की क्वेश्चन बुक हो गई, रफ नोटबुक हो गई, ठीक है। अब नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो अपन लोगों ने अभी ये समझ लिया कि हम लोग इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। As I said, there is something very important that I have planned for you. ठीक है,
वो बच्चा जिससे प्लान बन ही नहीं रहा है, ठीक है, हर तरीके की कोशिश कर ली उसने, उससे प्लान बन ही नहीं रहा है, ठीक है, अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं, एंड आई नेवर बिलीव इन द फैक्ट कि हम आपको प्लान बना के देंगे, यू फॉलो दैट, राइट, आई कैन गाइड यू कि ये इस तरीके से फिट इन कर लो, बट अगर हमने प्लान बनाया तो वो मेरा प्लान है, वो आपका प्लान कभी होगा नहीं और वो कभी इंप्लीमेंट होगा नहीं, ठीक है। आज से जिस भी तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, 4 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, जिस भी दिन पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उस दिन से 45 दिन, ठीक है, 45 डेज चैलेंज, आई हैव मेड एन एंटायर डॉक्यूमेंट फॉर यू, एक आपका ऐसा प्लानर बना दिया है, क्या पर्पज इस प्लानर का हम बताते हैं, सो दिस इज अ 45 डेज चैलेंज, जहां पर 45 दिन 5 सब्जेक्ट्स, ओपन बुक आई एम नॉट काउंटिंग इन दिस, क्योंकि ओपन बुक आपको रेगुलरली सिर्फ गो थ्रू करते रहना है, ठीक है, सो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 45 दिन हैं, या तो आप 2 तरीके कर सकते हो, या तो आप एक सब्जेक्ट को 9 दिन का समय दे देना, ठीक है, या तो आप एक सब्जेक्ट को 9 डेज का समय दे दीजिए, राइट, सो 9 × 5 45 डेज, और आई पर्सनली बिलीव कि ये हमें थोड़ा सा फीजिबल नहीं लगता है कि एक सब्जेक्ट 9 दिन लिया खत्म करा, दूसरा सब्जेक्ट 9 दिन दिया खत्म करा, कुछ लोगों को फीजिबल लगता है, इफ दिस इज फीजिबल यू डू दैट, एल्स 45 डेज है, 5 सब्जेक्ट्स एवरी डे 45 दिन में खत्म करना है, नो मैटर व्हाट, 46th डे होना ही नहीं चाहिए, आज से 45 दिन में समाप्त करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज फर्स्टली टेक अ प्रिंट ऑफ दिस प्लानर, ठीक है, इस प्लानर के अंदर क्या है, कुछ भी ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज जस्ट अ कैलेंडर, ठीक है, अप्रैल एंड मई का आपका कैलेंडर है, जो तारीख आपकी यहाँ से जा चुकी, मान लीजिए आप 11 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप 10 अप्रैल तक क्रॉस लगा दीजिएगा, ऐसे प्यार से, ठीक है, प्यार से, बदतमीजी नहीं, तो इसको प्यार से यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा, जिस तारीख से भी आप शुरू कर रहे हैं उस तारीख को अपने को गोला मार्क कर लेना है कि यहाँ से लेके आपका जो भी 45th डे आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सो मई का कैलेंडर इज ऑल्सो देयर, ठीक है, मई का कैलेंडर भी वहाँ पर है, तो आपका जो 45th डे आ रहा है वो 45th डे पे जो भी आता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 24th में, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 24 में आपका 45th डे आता है, उसको गोला मार्क कर लेना, 23rd मई में अपने फ़ोन में कैलेंडर में रिमाइंडर लगा लो कि बजना शुरू हो जाए कि टुडे इज़ द 44th डे एंड टुमारो इज़ द 45th डे, हर हालत में 45 दिन में वाइंड अप होना चाहिए। अब आप 12 घंटे पढ़े, 13 घंटे पढ़े, 14 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, बट 45 दिन में आपके ये 5 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद 1 ओपन बुक सब्जेक्ट रीडिंग एवरी डे, ये वाइंड अप हो जाना चाहिए, ठीक है, ये होना ही चाहिए। नाउ व्हाट यू विल डू इज, अब एक चीज आप क्या कर सकते हो, यहां पर अगर आपको ऐसे डे वाइज कुछ स्पेसिफिकली प्लान करना है तो यू कैन डू दैट, अदरवाइज वी हैव मेड अ वीकली प्लानर, ठीक है, या आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा, इट्स जस्ट दैट अपने को उसको यूज करना नहीं आता है, तो आपने ऐसे भी ये वीकली प्लानर देखा होगा, अप्रैल के 4 हफ्ते, मई का 4 हफ्ते के प्लानर दिया हुआ है, अगेन अप्रैल का अगर आपका 1 हफ्ता जा चुका है तो एक छोड़ देना, ऐसे 4 दिए हुए 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, तो ये आप एक छोड़ देना, उसके बाद ना व्हाट यू हैव टू डू इज, मंडे को अगर आप 5 सब्जेक्ट एक ही दिन कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लीजिए आप 9 सब्जेक्ट एक बार, सॉरी 9 दिन में 1 सब्जेक्ट, फिर 9 दिन में 1 सब्जेक्ट एंड फिर 9 दिन में 1 सब्जेक्ट, अगर आप ऐसे करोगे एक ही सब्जेक्ट करके निपटाओगे, तो यहाँ पे लिख लेना कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को मैं ये सब्जेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, लेट्स से मंडे को आप CMA DD उठाओगे, ठीक है, सो मंडे का आपका टारगेट क्या है कि CMA DD के कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर हो जाने चाहिए, ये पहले बना लो, ठीक है, ये पहले बना लो, और एक एक हफ्ते का बनाना है, पूरे महीने का बनाते मत बैठ जाना, एक एक हफ्ते का ही बनाना है, 1 हफ्ता, दैट्स इट, 1 हफ्ता होगा, अपन रिमार्क्स ऐड करेंगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट हफ्ता चेंज करेंगे, ठीक है, पूरे महीने का एक बार में मत बनाना, 1 हफ्ते का बनाना है, तो लेट्स से आप लोग अगले 9 दिन CMA DD ही पढ़ने वाले हो, सो मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड देन अगेन योर मंडे ट्यूजडे, राइट, जहां तक भी आपका 9वां दिन आता है वहां तक कौन सा चैप्टर सोचा है, मंडे को कौन सा चैप्टर होगा, उसके कौन से टॉपिक्स होंगे, या एक और चैप्टर कर सकते हो, वो क्वेश्चन आंसर बुक के कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिखने, ये सब आप लोग यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है, सो दिस अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट। सेकेंड चीज, मान लीजिए हम लोग सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ रहे हैं, राइट, तो सब तो नहीं पढ़ लोगे, तो CMA DD का कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, एथिक्स का कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, आप फंडिंग का कौन सा टॉपिक करेंगे, ड्राफ्टिंग का कौन सा करेंगे, CR का कौन सा करेंगे, वो टॉपिक आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर हफ्ते में आपका फोकस क्या होगा, दिस अप्लाइज टू एवरी डे ऑफ द वीक,
इस पर्टिकुलर हफ्ते में आपका फोकस क्या होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल इस हफ्ते आई हैव डिसाइडेड कि मैं सीआर पे फोकस ज्यादा रहेगा, या मेरा आंसर राइटिंग फोकस ज्यादा रहेगा, या मेरा लर्निंग पे फोकस ज्यादा रहेगा, राइट. तो ये फोकस आपको यहाँ पे लिख लो कि इस हफ्ते जो मेरा टारगेट है दैट इज लर्न करने वाला जो पार्ट है उस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, या आंसर राइटिंग मेरी बिल्कुल नहीं हो रही उस पर ज्यादा ध्यान देना है. द ओनली पर्पज इज सो दैट यू नो कि देखो लर्न मैं प्रैक्टिकल पे ध्यान दे रहा हूँ पर लर्निंग वाला पार्ट मेरा नहीं हो रहा, लर्निंग वाले पार्ट पे ध्यान दे रहा हूँ प्रैक्टिकल वाला पार्ट मेरा नहीं हो रहा, सब कर रहा हूँ पर आंसर राइटिंग मेरी नहीं हो रही, राइट. तो दैट फोकस विल बी मेंटेन. इस हफ्ते में प्रायोरिटीज आपकी जो भी रहने वाली है, आंसर राइटिंग प्रायोरिटी होगी तो आंसर राइटिंग हो गया. इस हफ्ते में चार्ट रिवाइज करना आपकी प्रायोरिटी है तो वो हो गया. वॉट एवर योर प्रायोरिटीज आर एनीथिंग. अच्छा मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, सारी मेरी प्रायोरिटी है, राइट. तो आप वो कर लो. कोई सब्जेक्ट इस हफ्ते में आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है तो वो आप यहाँ पे प्रायोरिटी बना लीजिए, ठीक है. टू डू लिस्ट आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है, जस्ट इन केस स्पेसिफिकली देखो प्रायोरिटीज में एंड आपने वीक्स फोकस में यहाँ पे कर लिया. सो टू डू लिस्ट आपको स्पेसिफिकली नहीं बनानी, फिर भी स्पेसिफिकली इफ समथिंग इज देयर, जैसे कि ये हफ्ते में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, 5 क्वेश्चंस एवरी डे, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऐड इन द लिस्ट, राइट. ये हो गया. जब आपका हफ्ता एंड होगा, जिस दिन से भी, सैटरडे संडे कुछ नहीं है, जिस भी दिन आपका हफ्ता ऐड होगा, अच्छा ये सब कुछ नहीं, सिर्फ एक रिमार्क ऐड करना क्या क्या हो पाया क्या क्या नहीं हो पाया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है. ये रिमार्क क्यों जरूरी है, इसके हिसाब से हम लोग अगले हफ्ते का प्लान चेंज करेंगे, ठीक है. इसके हिसाब से हम लोग अगले हफ्ते का प्लान चेंज करेंगे एंड दिस विल गो ऑन टू योर 45th डे, ठीक है. 45वें दिन तक आपका समाप्त हो जाना चाहिए. 40 अगर मान लीजिए आप 20वें दिन पे हो, 20वें दिन का कोई पार्ट रह गया, 21st डे पे यू हैव टू एडजस्ट कि somehow जो 20th डे का टारगेट था वो 21st डे को अपने को खत्म करना है, ठीक है. सो 45 डेज टारगेट बेस्ड अप्रोच, तैयारी जीत की समाप्त करना है, ठीक है. 45th डे पे आपका सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए ताकि एंड के 5 दिन 10 दिन जो भी आपके पास बचे वी कैन प्लान इट अगेन कि आप इसको रिवाइज कैसे करना है, ठीक है. इसमें मैराथन आएगा तो मैराथन सही, रिवीजन आएगा रिवीजन सही, वॉट एवर यू डू यू हैव टू आपको उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है. इसलिए महीने भर का मत बनाना, हफ्ता हफ्ता करके प्लान बनाना. जहां गड़बड़ हो रही नेक्स्ट वीक इंप्रूव करेंगे, इस बार बेटर हो गया अगले हफ्ते कम कर देंगे, दैट इज हाउ वी विल गो अबाउट इट, राइट. इसमें कोई भी समस्या आती है आई बी देयर, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट. अच्छा इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका प्लानर है आई विल अटैच इन द लिंक, ठीक है. इस लिंक, इस वीडियो के लिंक में हम इसको अटैच कर देंगे, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट. और अगर आपका लिंक से डाउनलोड नहीं हो पाता है, लेट्स हेल्प सीएस वाले चैनल पे जाइएगा, द पैनल प्लानर वुड बी अवेलेबल, टेक अ प्रिंट ऑफ इट, ठीक है. कलर्ड प्रिंट लोगों तो कलर्ड लेना क्योंकि लिखने मजा आता है, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लो, कोई दिक्कत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट ओपन बुक सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है, या सीएसआर कैसे अप्रोच करना, आईपीआर कैसे अप्रोच करना, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, उस सब पे हम लोग आएंगे, ठीक है. हाल फिलहाल में 45 डेज इज आर टारगेट और बात एकदम सिंपल है, याद रखिएगा तैयारी जीत की, ठीक है. नाउ दिस इज वंस माय स्मॉल पर्सनल टच. 2 QR आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है. इनको यहाँ पर डालने का एक बहुत स्पेसिफिक पर्पज़ है. ये वाले QR को अगर आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे आप Spotify की एक प्लेलिस्ट पर डाइवर्ट होगे. उसके पहले आपको Spotify में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सो डू दैट. ये प्लेलिस्ट स्पेसिफिकली क्या है, एज आई सेड लेक्चर के दौरान हम आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं, राइट. बट जब ये वाला जो आपका फेज होता है ना अप्रैल एंड मई वाला, आई अंडरस्टैंड बहुत बार ऐसा होता है कि अपन गिव अप वाली स्टेज पे आते हैं फिर ऊपर वापस जाते हैं, फिर गिव अप वाली स्टेज पे आते हैं फिर ऊपर वापस जाते हैं, राइट. बच्चे आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि मैम बहुत ऐसा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, मैम हमसे हो ही नहीं रहा, आप थोड़ा सा 2 मिनट आप हमसे बात कर लो हमको अच्छा लगेगा, राइट. कई सारे लोगों से बात हो भी जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि आई एम नॉट अवेलेबल और यू आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट मी, या बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, ठीक है. दिस इज अ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू. सोच के, चुन के, समझ के कुछ बहुत प्यारे प्यारे गाने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है. तुमको लाइफ में इन 2 महीने में, इनफैक्ट आगे भी किसी भी स्टेज पे कभी भी वो फेज आ जाए ना कि नहीं हो रहा है, गिव अप करना है, इस प्लेलिस्ट को बस आप आधे घंटे प्लेलिस्ट सुन लेना, या ये प्लेलिस्ट का 5 मिनट कोई भी गाना सुन लेना, एंड आई प्रॉमिस अगले ही सेकंड आप उठ के अपनी तैयारी जीत की वापस शुरू कर दोगे, ठीक है. तो दिस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू. किसी भी मोमेंट पे, एग्जाम के एक दिन पहले भी, आपको कुछ भी लगता है, आप बिंदास इस प्लेलिस्ट के किसी भी गाने को सुन लेना, ठीक है. देयर इज वन अमंग, इसमें से एक बहुत फेवरेट गाना है हमारा, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, जितने हमारे बच्चों को समझ में आ ही जाएगा कि विच इज द फेवरेट सॉन्ग, राइट. क्लास में भी मैंने बहुत बार सुना है.
तो ये अगर कभी भी ऐसा लगे है ना कि नहीं हो रहा या नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना उस टाइम पे, गिव अप करना है, ठीक है किताबें बंद कर देना, बस एक सेकंड को हमारी आवाज़ अपने कान में ऐसा गूंजने देना और सिर्फ इसको स्कैन करके, इनफैक्ट प्लेलिस्ट ज्वाइन करके रख लो, जब लगे तब आप सुन लेना, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। बहुत सारे गाने बॉम्बार्डिंग नहीं करी है और ना ही तुमको करना है, कुछ भी ऐड मत करना उसमें, ठीक है। सिर्फ कुछ गाने जो मतलब जब हम अपनी सीएस की तैयारी कर रहे तब भी सुनते थे, आज भी जब लाइफ में ऐसी स्टेज आती है कि लगता है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दिस इज द एंड फॉर मी, राइट, तब भी सुनते हैं। एंड आई ऑलवेज एंड अप बीइंग मोटिवेटेड। सो आई बिलीव कि लेगेसी एक पास ऑन करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैव डन दैट। दूसरा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो आपका वीडियो है, ठीक है, आई विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट, आई एम क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब जिसका नाम होगा तैयारी जीत की। कोई भी जून 24 रिलेटेड जो भी आपके वीडियोस हैं, जैसे भी हमने आपको बोला ओपन बुक का अप्रोच या एनीथिंग एट ऑल दैट आई डू वुड बी अपलोडेड इन दिस प्लेलिस्ट। आपको इसको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट ज्वाइन करना है। फायदा क्या होगा, बार बार आपको बार बार रोज ट्यून रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी दिन कभी आए स्कैन करके प्लेलिस्ट खोल लेना एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज, जब भी आपको लगा तब आप वीडियोज खोल के देख सकते हो, सारे वीडियोज उसी प्लेलिस्ट में जाते जाएंगे, राइट। सो बच्चा बाटी, दिस इज इट फॉर द टाइम बिंग। नाउ वट यू हैव टू डू इज, आप सिर्फ इस प्लानर को पहले डाउनलोड कर लो, अपने एक हफ्ते का प्लान बना लो, सोच लो क्या करना है, आपको एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना है या सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ना है, ठीक है। ओपन बुक इजिली डूएबल है, बट मेक श्योर कि इसको ज़्यादा आप ऐसा अप्रोचेबल बनाओ, ऐसा बनाओ कि इसमें हम ज़्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू, राइट। इसके सिवाय भी कोई भी अभी भी समस्या आती है तो लेट मी नो। वन लास्ट थिंग, डीडी रिलेटेड जो मैं आपको बताना था, थर्ड पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया। डीडी में क्लास में हम लोगों ने चार्ट्स बनाए हैं, है ना, वी हैव मेड ऑल द चार्ट्स वाइल कवरिंग डीडी। राइटिंग मेरी वाहियात की वाहियात ही रहेगी। तो जो अपन ने चार्ट्स बनाए हैं, आप अगर रिविजन करने जा रहे हो तो आप पहले ये चार्ट से रिवाइज कर लो, फिर आप मेन बुक पर चले जाओ, ठीक है, एंड देन योर क्वेश्चन बुक। बस ये जब आप कर लो ना, समझ लेना बहुत हो गया। मैम याद नहीं रह रहा, पेपर के एक दिन पहले ना सब याद रहता है, बाय डिफॉल्ट याद रहता है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बोला है अपन बचपन के नाम भी नहीं भूलते, तो ये तो मतलब अभी जस्ट पढ़ा हुआ है फ्रेश, सब याद रहता है। इट्स जस्ट दैट इट इज़ टू मच ऑन प्लेट, काफ़ी सब कुछ है, तो धीरे धीरे लगता है कि सब कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। एग्जाम के एक दिन पहले जब रिवाइज करोगे तो सब होगा, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, आई टेल यू, बट हाल फिलहाल में ये शुरू करो, एट एनी कॉस्ट 45th डे पे सिलेबस वाइंड अप होना चाहिए। देयर इज नो 46th डे, ठीक है, मेरी गिनती में 46th डे ही नहीं है, 45th डे पे ये वाइंड अप हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, आपको इससे थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी सी कुछ हेल्प मिली होगी, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ोगे। फिर भी कोई समस्या लगती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइट, आप वहां पर मैसेज कर सकते हो, नहीं आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, यू कैन गिव मी अ कॉल, ठीक है। देन जस्ट इन केस कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे तो आप मिस्ड कॉल डाल के छोड़ देना, आई विल अटेंड यू, ठीक है। सो डोंट वरी, बट मीन वाइल फोन साइड में ही कर दो, है ना, जरूरत ना पड़े आपको, बिल्कुल ऐसा आपका एक प्लान रेडी एंड यू आर गुड टू गो, दैट इज द स्टेज दैट वी वॉन्ट, ठीक है। देन चलो बच्चा बाटी, सो आई होप 45th डे पे, अच्छा जिस दिन ये कंप्लीट हो जाए प्लानर की एक फोटो #45 डाल के टैग करके बस बता देना कि हो गया, ठीक है, जो टारगेट सेट था वो हो गया। जिस भी दिन से ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से तुम्हारा पहला दिन शुरू होता है से लेके योर 45th डे, ठीक है। रिमाइंडर फोन में सेट कर लेना 45th डे का, पहला दिन और 45वां दिन मार्क कर लेना, ये प्लानर आज जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ चिपका लो और उसके हिसाब से गो अहेड, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अपन मिलेंगे वापस बहुत जल्द। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड, तीन काम, टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन करना है, इसको स्कैन करके स्पॉटिफाई वाली प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लो, एलसी कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है तैयारी जीत की, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। डन, सो दिस इज आर तैयारी जीत की शुरुआत है, अंत नहीं आएगा, अंत बहुत बहुत समय अभी अंत आने में, बहुत समय पड़ा है अभी मेहनत करने में, ठीक है, बहुत समय है, बहुत कुछ कर सकते हैं, सो लेट्स यूटिलाइज द टाइम वेल एंड मेक दिस अटेम्प्ट काउंट, ठीक है। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।